देखो ये पिज़्ज़ा देखो किसकी तरह लग रहा है, कितने बड़े बड़े बाल है, ये देखो कितने बड़े बड़े बाल है। तो मेमोरीज यार, यही देखो अभी अचानक से दिख गया, अगर ये नहीं लगा होता तो कैसे दिखता। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई ये ऐसा पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पता नहीं आपके साथ भी होता है कि सिर्फ हमारे ही साथ होता है ऐसा। मंडे टू फ्राइडे उठता नहीं है, 7:30-8 बजे तक नहीं उठता है। इसको उठाना पड़ता है कि भैया उठ जाओ स्कूल जाना है। 7:50-7:55 पे उठता है इतनी मेहनत करने के बाद। और वीकेंड में क्या, सैटरडे क्या है, सुबह 7 बजे उठ के बैठ गया। कौन आया, क्या आया, उठो बुक्कू आई है सुबह 7 बजे। ऐसा अगर महीने में एक वीकेंड पे हो तो समझ में भी आता है, हर वीकेंड में यही है। सैटरडे को भाई मंडे आएगा, मंडे को उठना ही नहीं है। ऐसा क्यों ऐसा है भाई, वीकेंड को सोचते हैं थोड़ा सो लें, लेकिन नहीं, तो अभी सोने नहीं देना चाहता कोई। कोई बात नहीं, अभी झाड़ू पोछा हो गया है, अभी वो अच्छी बात है कि सुबह आ जाती हैं, सुबह डेली वो सही रहता है। 7:15-7 बजे आ जाती हैं, बर्तन धुल देती हैं और झाड़ू पोछा कर देती हैं, तो सुबह घर शांत लगता है, अच्छा लगता है अभी, क्योंकि ये उठ गए हैं। बुक्कू आइए कर रहे हैं, तो इनके लिए मस्त सा कुछ ब्रेकफास्ट बनाते हैं। क्या खाओगे, लेकिन खाओगे क्या, हाँ गोदी नहीं लूँगा, गोदी से पेट नहीं भरता, इसको बताना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था। तो गोदी में क्या खाओगे, एग ऑमलेट है, पोहा तो बाहर से अब लाना पड़ेगा, पोहा मैं बनाऊंगा नहीं अभी, पोहा ही चाहिए। हाँ। तो चलो बाहर से लेने चले, बाइक से लेने चले, नहीं मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुकना। तो मैं घर पर नहीं बनाऊँगा पोहा, घर पर बनाऊँ पोहा बनाऊँ। तो चलो भाई, मैं पहले सोचा था कि एग ऑमलेट खिलाऊंगा, लेकिन विवान की डिमांड है कि पोहा खाएगा, तो अच्छी बात है, बाहर जाना नहीं है तो घर पे ही। क्या नहीं अच्छा लगता है, चीज़ ऑमलेट नहीं अच्छा लगता है, तो मैं इसको पोहा बनाता हूँ और पोहा खिलाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बोल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पोहा निकालते हैं, पोहे को थोड़ा सा गीला करते हैं। ये देखिए थोड़ा पानी आ गया, थोड़ा सा ऊपर से हल्के से क्लीन करके उसका पानी निकाल लेते हैं, ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल लेते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा पानी निकाल के ऐसा बचा। चलिए अभी अपने प्याज को उसको थोड़ा सा काटते हैं, उसके ऊपर का जो कपड़े हैं वो उतारते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग कढ़ाई है उसको रखते हैं, जब तक ये प्याज कटेगा तब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो जाएगी, कढ़ाई में तेल गर्म हो जाएगा। कढ़ाई रखा, उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला। अब क्या था, जो मेरा बचा हुआ थोड़ा सा प्याज था उसको कट किया मैंने, और बाबू ने कुछ कहा उसको मैंने इग्नोर किया। उसके बाद मैंने अपने कढ़ाई में राई डाला, करी पत्ता डाला, उसके बाद ये मैंने डाल दिया अपना कटा हुआ प्याज, ये पोहा डाल दिया इसमें मसालों में। कितना सही लग रहा है यार, मैं प्याज टमाटर का डाल के मसाले डाल के पोहा, और उसके बाद ये बगल में चाय रख दिया। यार सुबह नाश्ते की पूरी तैयारी हो गई है, बस 2-4 मिनट और दूंगा इस पोहे को, थोड़ा सा और सॉफ्ट होगा, पकेगा, मतलब पकता क्या है, ये तो डाल दो हो जाता है, पर थोड़ा सा और मसालों के साथ मिक्स होगा, सॉफ्ट होगा उसका, तब तक मेरी चाय बन जाएगी। चाय बनेगी, ये बनेगी, साथ में एंजॉय करेंगे। और बाबू के पसंद का भाई नाश्ता बना है, तो देखते हैं वो कितना खाता है। आज बोलता तो है पोहा बनाओ, लेकिन देखते हैं खाता कितना है। ये हो गया विवान का पोहा रेडी। यार इसमें थोड़ा सा सेव डाल दिया ताकि और टेस्ट इनहांस हो जाए। ये आपका पोहा थोड़ा गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा तब खाएंगे, ठीक है, ओके, गुड बॉय। आगे मैं खिलाऊंगा, नहीं, मैं अपना पोहा अलग ला रहा हूँ और तुम्हारा अलग रहेगा, तो तुम अपने पोहे में से खाओगे, मैं अपने पोहे में से खाऊंगा, ठीक है, अलग अलग हम लोग खाएंगे लेकिन साथ में खाएंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं अपना पोहा चाय लेके आ रहा हूँ भाई। मेरा भी पोहा और चाय रेडी हो गया सुबह का ब्रेकफास्ट। किचन थोड़ा सा मेसी हो गया, पोहा हुआ गिर गया है, बट यार पहले ये खा लें, थोड़ा एनर्जी ले आएं, फिर जब एनर्जी आएगी तो ये भी साफ हो जाएगा। अवंतिका भी अभी जस्ट उठी है, तो चाय उसका है, पोहा इधर है, सब कुछ रेडी है। मैं चलता हूँ भाई अपना पोहा खाने, इसमें मैंने नमकीन नहीं डाला, तो थोड़ा सा सेव डाल के नाश्ता करता हूँ मैं। सो वीकेंड इज ऑल अबाउट खाना, तो नाश्ता हो गया है, अभी दीदी आई खाना बना के गई। आज भिंडी, एक भिंडी को हम 3-4 तरीके से बना सकते हैं, एक तो नॉर्मल छोटे छोटे काट के सूखा, बस मसाला डाल के प्याज टमाटर डाल के वो दूसरा बना सकते हैं, भरवा भिंडी बना सकते हैं, क्रिस्पी भिंडी बना सकते हैं, फ्राई भिंडी बना सकते हैं, बहुत भिंडी बना सकते हैं। तो हम लोग करीब 3-4 साल से सिर्फ एक ही भिंडी खा रहे हैं, वो नॉर्मल जो बनता है। अभी हमने इनको कहा कि कुछ टेस्ट बदलना है दीदी, कुछ अलग बनाओ, तो भरवा भिंडी का सुझाव है कि एक भिंडी का पेट काट के उसमें सिंगदाना पीस के और थोड़ा मसाला भर के भिंडी बनाना है,
उन्होंने बनाया है, अभी मैंने देखा नहीं है, मैं और आप एक साथ देखेंगे कैसा बना है और फिर टेस्ट करूंगा तब बताऊंगा, लेकिन पहले अभी देखते हैं कैसा बना है। चलो, तो ये रहा भिंडी। मसाले हैं, मसाले तो हैं, सो खा के देखेंगे, खाने में टेस्ट करते हैं, टेस्ट भी अच्छा होगा। मेरे दिमाग में था थोड़ा सा ये भिंडी जैसे ग्रीन ग्रीन है, ये थोड़ा सा ब्लैकिश हो, पता नहीं वो मसाले से होता है कि ज़्यादा भूनने से होता है उसको, भूनने से होता है पता नहीं, बट रोटी से खाएंगे, दाल भी बन गया है और थोड़ा प्याज व्याज काटेंगे यार, मस्त नमक मटा क्योंकि मेरे मुँह में अभी से पानी आने लगा क्योंकि अच्छा लग रहा है, गरम गरम है और गरम गरम रोटी में, तो अभी ही खा लेते हैं। और ऑलरेडी कितना, आज वीकेंड है तो वीकेंड में हम उनको बोलते हैं आप थोड़ा आराम से लेट आओ, 11:30-12 बजे तक आओ, क्योंकि वीकडे में 10:15-10 बजे बुला लेते हैं, आज आई थी वो कितना 12:15 बजे के करीब और अभी 12:30 बज गए हैं, अभी जस्ट गई हैं, तो लंच का टाइम पे ही गई हैं, तो अभी भूख लगी है। मैं और बाबू हम लोग सबसे पहले खाना खाएंगे, अवंतिका को भूख नहीं तो थोड़ी देर बाद खाएगी। खाना खाना है भिंडी, अलग भिंडी बनी है ना, यस यस, चलो खाता हूँ और टेस्ट बताता हूँ कैसा टेस्ट है। तो मैंने अपनी थाली में खाना निकाल लिया, भिंडी निकाल ली, रोटी निकाल लिया, दाल ले लिया और साथ में प्याज काट लिया, और हम लोग चलो खाते हैं। क्या लाए हो, क्या इसमें कलर, इसमें कलर डाल दिया, चलो आओ हम लोग ये खाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसे। हाँ चलो टेस्ट करते हैं, पहले कौन टेस्ट करेगा, मैं करूँगा कि तुम करोगे? मैं करूँ, ओके, टेस्टिंग का जिम्मा मुझे दिया गया है। ये कौन सी भिंडी है? अच्छी भिंडी है ये, टेस्ट करते हैं भाई। मेरे को तो नहीं अरे अच्छा बना है, मसाला पता चल रहा है, भिंडी और साथ में प्याज, हाँ हाँ मजा आ गया। चलो मैं खाता हूँ, लड्डू पड्डू को खिलाता हूँ। नहीं भैया, रोते बेटा, क्या हो गया था मेरे भैया को, क्यों रो रहा था, मुंह देखो, अच्छा ब्लैक हो गया क्या? हाँ ये पहले काला था ना, तो वीडियो बन रहा था क्या? नहीं नहीं मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ, नीचे वाले किया ही नहीं वीडियो, नीचे किया ही नहीं, वाइब से पूछ दो क्योंकि बाबू यहाँ ब्लैक था ना, तुम्हारे जब आंसू निकले ना, नहीं ब्लैक ही रहने दो, तुमने मिरर में देखा ब्लैक रहने पे क्या होता है? हाँ। बहुत गंदा दिख रहा है और तुम्हारे यहाँ आंसू वसू पूरे चमक रहे हैं, है ना। चल जी हम लोग थोड़ा वाइप करेंगे और नीचे जो हाफ पेंट पहने, वाइप नहीं करना तो हम लोग कैसे जाएंगे, बहुत गंदा है बेटा, बहुत गंदा है, चेंज कर लो। वो देखो चले जाए, नहीं बेटा आप कर लो, मैं अपने बेटी के साथ जाऊंगा, मैं अपने बाबू के साथ जाऊंगा, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग बाहर मम्मा भी चलेंगे, चलो सब लोग चलेंगे, मैं मम्मा, चलो हम लोग निकलते हैं, जैसे बाबू ने बोला कि बाबू नहीं जाएगा, वो यहीं पर रहेगा, तो हम लोग को बाइक राइड करनी है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है तो अच्छा मौसम हो रहा है, हम लोग चलते हैं, बाबू तो नहीं आएगा आज। क्या हो गया? अच्छा ठीक है तैयार कर दो, बाबू भी चले, मैटर सॉल्व हो गया दोस्तों, नीचे का पैंट चेंज हो गया, मैटर सॉल्व हो गया, और ये बता रहा है कि क्यों रो रहे थे, क्यों रो रहे थे तुम? चोट लग गई थी, तो आप सब लोग समझ चुके हैं, ये बाहर नहीं जाना था, चोट लग गई थी, फिर रोए धोए सब हुआ, फिर बाबू ने अभी फेस वाइप करा लिया, पैंट चेंज कर लिया, अपनी जींस पहन लिया, अब हम लोग चलते हैं कुछ खाने पीने, बाल भी झाड़ लिए, खाने पीने नहीं जाएंगे, किसने बोला खाने पीने जाएंगे, हम लोग बाइक राइड पे जाएंगे, मम्मा ऐसे ही बोलती है, चलो हम लोग बाइक राइड पे जाते हैं, फैमिली बाइक राइड पे जाते हैं, छोटी सी कहाँ पे कियोस्क है, अरे सॉरी खाते भाई खाने में इतने बिजी हो गए कि ब्लॉगिंग नहीं कर पाइए, देखो बर्गर ऑर्डर किया, फ्रेंच फ्राइज लिया, पिज़्ज़ा लिया, जूस लिया, और ये जूस में बाबू एक्स्ट्रा बाबू डालेगा, एक में तो अपने में डाल दे, मम्मा वाले भी बाबू डालेगा ये, अरे जल्दी डालो, मम्मा को बहुत तेज प्यास लगी है, जल्दी डालो, तिक्खू लग रहा है, सब तीखा है एक्चुअली, ये तो अच्छा है, ये मस्त स्पाइसी मज़ेदार और ये भी बहुत टेस्टी है, मस्त है भाई, इतनी तेज भूख लगी थी कि आते आते बस ऑर्डर किया और खाना चालू कर दिया, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और भूख भी नहीं ख़त्म हुई है, तो हम लोग जल्दी तो फिनिश कर देंगे, देखो बाबू स्ट्रॉ डालते हुए।
अच्छा है, ये देखो इनका फीडबैक मिल गया। इसका फीडबैक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका अवंतिका का और बाबू का ड्रिंक आ गया, मेरा ड्रिंक अभी पेंडिंग है, अभी वो प्रिपरेशन मोड में है, तब तक ही खाता हूँ, थोड़ा मुँह को और तीखा करता हूँ, उसके बाद फिर ड्रिंक पीता हूँ। ये देखो ये पिज़्ज़ा देखो किसकी तरह लग रहा है, बैट की तरह, पान के पत्ते की तरह, कि हार्ट की तरह? अवंतिका बताओ ये किसकी तरह लग रहा है? मुझे तो बैटमैन लग रहा, मुझे भी बैटमैन लगा। और ऐसे और किसी का भी ये टूटा टूटा दिल भी हो सकता है। ये देखो ऊपर से टूटा हुआ है और कहीं से नहीं। इसको अभी हम लोग और तोड़ देंगे, इसको और ब्रेक करेंगे। ये लो ये देखो और टूट गया ये। अब जिसका भी दिल हो मैं इसको चकना चूर कर दूँगा। मैंने दिल तोड़ दिया। और देखो बाबू को यहाँ पे क्या मिल गया, एक साल पहले की एक तस्वीर, इसमें डेट भी लिखा है 7/3/23 राइट, 7 मार्च है, डेढ़ साल पहले बाबू को यहाँ पे अपनी पुरानी तस्वीर मिल गई जिसमें इसका ये मुंडन नहीं हुआ था। ये देखो बाल बाल बड़े बड़े हैं पीछे। अरे पीछे मैं भी हूँ यार। ये देखो ये बुक, इसमें डैडी भी हैं, मम्मा भी हैं, मम्मा के फ्रेंड हैं, अंकल हैं, बाबू। कितने बड़े बड़े बाल हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े बाल हैं। फिर मेमोरीज यार, यही देखो अभी अचानक से दिख गया, अगर ये नहीं लगा होता तो कैसे दिखता? पुराने कस्टमर्स नहीं आएंगे तो अपने आप को देखेंगे, याद करेंगे। बस हम लोग जैसे अभी कैफे से घर पहुँचे हैं। माइलो बेचारा यहीं बैठा था, पता नहीं पहले से यहीं बैठा रहता है कि नहीं तो इसको आहट हो जाती है कि जैसे ही आहट हो जाती है। नीचे पार्किंग में हम लोग गाड़ी लगाते हैं तो इसको पता, इसको एहसास हो जाता है कि आ गए हैं ये फैमिली वाले। तो अभी भी ये यहाँ पे बैठा था और जैसे हम लोग लिफ्ट में होंगे या नीचे होंगे वो आके यहाँ बैठ गया होगा, नहीं तो उधर बार बार टहला करता है। तो ये सेंस करता है यार, ये हम लोग को सेंस करता है। आ गए, चलो हम लोग आ गए। लाइट वाइट वैसे भी पहले से होती, थोड़ा और रोशनी कर दिए। अब चलते हैं, हम लोग चेंज करते हैं, थोड़ा हाथ पर फ्रेश धोते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं। 10 बज रहा है, कल भी छुट्टी है, मस्ती करना है। अभी कुछ बुक पढ़ते हैं, कुछ अच्छी बुक लाए हैं, रहेंगे कौन सी क्या है तो वो बुक पढ़ते हैं और थोड़ा फैमिली के साथ मस्ती करते हैं। चलिए मैं इसी के साथ ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ तक आए हैं वीडियो लाइक करना ना भूलो। वीडियो लाइक जरूर कर दो अगर आपने देखा है। मैं देखता हूँ व्यूज आ रहे हैं बट लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, तो लाइक बढ़ा दो यार, लाइक तुरंत कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।